हेलो एवरीवन, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ने से पहले हम कुछ जैसे एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि मैनेजमेंट होता क्या है। सो मैनेजमेंट क्या होता है, अगर हम जनरल टर्म्स में बात करें, मैनेजमेंट का मतलब है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि हम यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फर्म को लेके, एक एंटरप्राइज को लेके। सो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक आर्ट होती है काम करवाना अपने इम्प्लॉय से, अपने सबॉर्डिनेट से। सो मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। अब मैनेजमेंट के अंदर हमारा कुछ प्रोसेस इंक्लूड होता है, तो मैनेजमेंट में हम बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं, जिसमें हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है। सो जो मैनेजमेंट के फंक्शंस है, मैनेजमेंट का जो प्रोसेस रहता है, वो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि एक एक करके कि प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग में काम कैसे किया जाता है, प्लानिंग के फीचर्स क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या रहती है हमारी मैनेजमेंट में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। सेम इसी वे में ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, इन सबका क्या रोल रहता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, वन बाय वन हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या, हमारे मैनेजमेंट के सिद्धांत क्या है, मैनेजमेंट के सिद्धांत क्या है, मैनेजमेंट में हमें कैसे काम करना चाहिए, मैनेजमेंट में हमें ऑर्गेनाइजेशन में कैसे उनको फॉलो करना चाहिए। तो एक है हमारे मिस्टर हेनरी फ्योल, जिनको हम बोल सकते हैं फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। ही इज ऑल्सो नोन एज अ फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। इन्होंने अपनी बुक में 1916 के अंदर 14 प्रिंसिपल्स को डिस्क्राइब किया है। अब वो 14 प्रिंसिपल्स क्या है, वही हम पढ़ने वाले हैं, मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योर। सो फर्स्ट वन इज डिवीजन ऑफ वर्क। अब डिवीजन ऑफ वर्क के नाम से ही हमें पता है कि मतलब हमें अपना काम डिवाइड करना है, क्योंकि एक सिंगल पर्सन पूरी ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं कर सकता। ऑर्गेनाइजेशन काम किस लिए करती है, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, राइट। सो डिवीजन ऑफ वर्क अगर होगा, अगर हम अपने काम को, बड़े से काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, डिपार्टमेंट्स बना देंगे, अलग अलग पर्सन उसके लिए स्पेशलाइज्ड होंगे, तो हम उसमें क्या करेंगे, डिवीजन ऑफ वर्क के बाद क्या होगा, स्पेशलाइजेशन हो जाएगी, हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, कोई पर्सन स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा इजिली अचीव हो जाएगा, प्रोफिशिएंसी रहेगी, एफिशिएंसी रहेगी इसके अंदर। सो क्या चीज होगी, डिवीजन ऑफ वर्क से हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हमें बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल क्या है, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब अगर अथॉरिटी की अगर हम बात करें, अथॉरिटी की बात होती है पावर। अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी हो चाहे वो रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, दोनों साथ साथ चलने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए किसी एक पर्सन को अथॉरिटी ज़्यादा दे रखी है और दूसरे पर्सन को रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे रखी है, तो वहाँ पर अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों का मिसयूज होगा। सो इट शुड गो हैंड इन हैंड, अथॉरिटी भी और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन। अगर हम डिसिप्लिन की बात करते हैं, डिसिप्लिन हमेशा सेल्फ क्रिएटेड होना चाहिए, अपने अंदर से ही आना चाहिए कि हाँ मुझे ये काम अपने इस लिमिट में रहकर करना है, किसी के दबाव में आके नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अ सेल्फ डिसिप्लिन, नॉट अ फोर्स्ड डिसिप्लिन। किसी के फोर्स में आके डिसिप्लिन नहीं क्रिएट होना चाहिए, तो उससे क्या होगा, वो मेंटली भी डिप्रेस हो सकता है एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय, तो उससे क्या होगा, वो हमारे लिए सही नहीं होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन उससे अफेक्ट होगी। अगर ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट होगी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल इजिली अचीव नहीं होगा। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का क्या मतलब है, वन पर्सन शुड रिसीव अ कमांड फ्रॉम ओनली वन पर्सन। मीन्स उसका जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी है वो एक ही होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि उसको जो कमांड मिल रही है वो अलग अलग पर्सन से मिल रही है, तो उसको नहीं पता चलेगा कि उसने किसको रिपोर्ट करना है, किसका काम पहले करना है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, होच पोच हो जाएगी, उसको नहीं समझ में आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, डिप्रेस्ड हो जाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव हो पाएगा। सो वन पर्सन शुड रिसीव ऑर्डर, कमांड, टारगेट ओनली फ्रॉम वन पर्सन। सो इट मीन्स उसका सिर्फ एक ही रिपोर्टिंग अथॉरिटी होना चाहिए, एक सबॉर्डिनेट का एक ही सुपीरियर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अगर हम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात करते हैं, इसका मतलब है कि एक ही प्लान होना चाहिए और एक ही हेड होना चाहिए। अब चाहे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, सबको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करना है, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक ही ऑब्जेक्टिव है। अगर सब एक ही डायरेक्शन में एक ही प्लान को लेकर काम करेंगे, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव इजिली अचीव हो जाएगा।
नेक्स्ट इज सबोर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट. अगर हम इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बात करें या जनरल इंटरेस्ट की बात करें, हमें हमेशा जनरल इंटरेस्ट को ऊपर रखना चाहिए, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को नहीं. तो उससे क्या होगा, अगर हम इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर देंगे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को हम नहीं अचीव कर पाएंगे. नेक्स्ट इज रेमुनरेशन. अब रेमुनरेशन का क्या मतलब होता है, किसी भी इम्प्लॉई को उसका पे देना एक तरह से. वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में रिवार्ड्स देना एक तरह से, चाहे वो फाइनेंशियल हो नॉन फाइनेंशियल हो. उससे क्या होगा, वो पर्टिकुलर इम्प्लॉय हमारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो मोटिवेट हो जाएंगे. अगर वो मोटिवेट होंगे दे विल गिव देयर 100% एफर्ट्स. सो ये सारे एफर्ट्स किस लिए होंगे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. क्लियर. नेक्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर्स जो हैं हमने सिर्फ कुछ ही हाथों में देनी है. ठीक है, अगर हम कुछ ही हाथों में पावर्स देंगे तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव है वो इजीली अचीव होगा, कोई भी अपनी पावर का मिसयूज नहीं करेगा. एक और टर्म यूज होती है दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड. डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है पावर हर एक के हाथ में देना. तो क्या है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड नहीं होती. नेक्स्ट इज स्केलर चेन. स्केलर चेन का क्या मतलब होता है, एक हायरार्की फॉलो की जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, दैट इज फ्रॉम टॉप टू लोअर. क्लियर. सो हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायरार्की है, वो टॉप टू लोअर ही फॉलो होनी चाहिए. ये नहीं होना चाहिए इसने यहाँ पे रिपोर्ट करना है डायरेक्टली यहाँ रिपोर्ट कर रहा है, नहीं, इन्होंने ऑर्डर देना है पहले मिडल लेवल को देगा देन लोअर लेवल के पास जाएगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं जाना चाहिए. सो देयर शुड बी अ प्रॉपर हायरार्की. नेक्स्ट इज ऑर्डर. अगर हम ऑर्डर की बात करें, जैसे हमने बात करी थी कि यूनिटी ऑफ कमांड की, तो सेम सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको पता होना चाहिए कि उनका सुपीरियर कौन है, उनकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी कौन है, उनको ऑर्डर कौन देगा. सो वेल डिफाइंड प्लानिंग होनी चाहिए. नेक्स्ट इज इक्विटी. इक्विटी की हम बात करते हैं, अगर हम जनरली अपनी पर्सनली बात करें तो हमें भी क्या होता है कि हमें भी फेयर ट्रीट किया जाए. तो ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होता है, एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड फेयरली. किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी फैक्टर को लेकर. नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी. आजकल के टाइम में एवरी पर्सन वॉन्ट्स देयर स्टेबल इनकम. ओके, चाहे वो उनकी इंश्योरेंस की फॉर्म में हो, सिक्योरेंस की फॉर्म में हो, फिक्स्ड इनकम की फॉर्म में हो, तो वो चीज स्टेबल रहनी चाहिए. नेक्स्ट इज इनिशिएटिव. अब क्या है, हर एक इम्प्लॉइज को, हर एक सबॉर्डिनेट को इस तरह से मोटिवेट किया जाना चाहिए कि वो अपना इनिशिएटिव ले सके. अगर वो इनिशिएटिव लेंगे इट मीन्स दे विल गिव सम सजेशंस. उनसे क्या होगा, मे बी दैट सजेशंस विल बी हेल्पफुल टू अचीव आर ऑर्गेनाइजेशनल गोल. नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट इज एस्पिरिट डी कॉप्स. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है टीम स्पिरिट. हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीम स्पिरिट होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए. सो ये सारे हैं हमारे अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्रोज के 14 प्रिंसिपल्स. हमारे जो मैनेजमेंट में दो प्रिंसिपल्स जो डिस्कस किए गए हैं दैट इज हेनरी फ्रोल के और टेलर के. आज जो हमने डिस्कस किया है दैट इज हेनरी फ्रोल के 14 प्रिंसिपल्स. सो थैंक यू.